हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और हॉलीवुड ने किया गीता का अपमान। इससे ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम का दुरुपयोग हो नहीं सकता और ये एक तरीके से हमारी संस्कृति पे ही प्रहार है। अब इस पे क्या है इंडिया की जनता का स्टैंड, ये तो फैक्ट भाई आपको बताएगा। पर हॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड में भी चल रही है कंट्रोवर्सी की हवा। क्या सच में रेखा का है अपनी ही सेक्रेटरी फरजाना के साथ पति पत्नी का रिश्ता? पर इससे पहले हम जाने ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक नजर थाराबाई जोगिंदर पे डालनी तो बनती है, जिन्होंने रोडीज के सिलेक्शन का किया था खुलेआम गुणगान। पर अब लगता है उन्होंने बना लिया है घर वापसी का प्लान। मैं अभी जा रहा हूँ, माफ करना। अब ऐसा काय को वेल जानने के लिए आइए शुरू करते हैं रोडीज विद धमाल। रोडीज कर्म या कांड, वेल इस टाइटल में अभी तक खाली कांड ही सामने आया है। मेरे को पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन? रुक जा भाई, मेरे को पता है तू तभी से बात कर, साढ़े 9 लाख फॉलोअर रो मेरे साथ फोटो खिंचाते। गाली मत बोल, मैं तुझे भी बोल रहा हूँ, गाली मत बोल भाई। यार अंदर गाली मत बोल, तू गाली मत तो शायद इसीलिए हमेशा गुस्से में रहने वाले जोगिंदर को रोडीज का मंच भा गया है। लेकिन हाल ही में ऐसा लग रहा है कि जोगिंदर रोडीज छोड़ देंगे और वो भी एक लड़ाई के चलते। अरे बात सुनना, कान खोल गए, मेरे को डर नहीं लगता किसी गैंग लीडर से रोडीज होके। और जैसे ही जोगिंदर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ही गैंग लीडर ने उनकी क्लास लगा दी। ये अपनी धमकियां अपने पास रख, दूंगा तेरी मैं यहीं पर। सर मैं अभी जा रहा हूँ, माफ करना। सर मैं नहीं सुन पाऊंगा माँ बहन गाली। पर भाई लोग, रोडीज शो के कांड सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते, यहाँ कंटेस्टेंट के साथ जजेस भी आपस में लड़ते हैं, जैसे रिया और प्रिंस का लड़ना। कैसे बात कर रहे हो? आपकी बात कर रहा हूँ मैं, तमीज मेरे। आप भी तमीज में रहो, ढंग से बात कर। आप भी तमीज में रहो, तू चल। ठीक है, तू चल। यानी तमीज की बात चल रही है, वो भी रोडीज में। जो शो अपने एग्रेशन की वजह से फेमस हुआ है। और वैसे भी भाई लोग, रिया की चर्चा सिर्फ रोडीज के फैंस ही नहीं, सुशांत के फैंस के बीच भी छिड़ गई है। वह यूं कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो गई, जिसमें इन्होंने कमेंट में ये खुलासा किया कि रिया ने सुशांत को किसी से भी बात करने नहीं दिया, इनफैक्ट वो अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरे कमेंट में रिया की को-स्टार काजोल त्यागी ने कहा कि रिया काफी नेगेटिव एनर्जी वाली इंसान है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, सौरभ हुए एक्सीडेंट के शिकार और इनका एक्सीडेंट देखकर आप भी रह जाओगे दंग। और ये देखो, ये घूमी एकदम से, ये देखो दोबारा घूमी। असल में सौरभ घर से निकले तो दिल्ली जाने के लिए, लेकिन अचानक ही रास्ते में उनकी गाड़ी ने पलटी खा ली, पूरा गोल घूम गई। मैंने पूरा कंट्रोल करने को इसकी, बट कंट्रोल हुई नहीं गाइस। और वो तो शुक्र है कि हाईवे पे रेलिंग थी, वरना शायद इनकी फॉर्च्यूनर खेत में पहुंच जाती। सौरभ ने अपने व्लॉग में इसकी वजह गाड़ी के पिछले वाले टायर्स का फटना बताया था। पर गाड़ी का हाल जो भी हुआ हो, सौरभ, उनकी फैमिली और उनके फैंस सब इस बात से खुश हैं कि किसी को कोई चोट नहीं आई। पर दूसरे दिन जब ये बात सौरभ की मम्मी को पता चली तो वो सौरभ से नाराज हो गयी। उनका कहना था कि सौरभ सुबह उनसे बिना आशीर्वाद लिए उनका दिल दुखा कर चले गए थे। इसीलिए ऐसा हुआ और उन्हें पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। कहीं उनका कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उसने बाहर कहा था, नहीं कहा था पुंडे रमा से? और उनकी बात सुनकर सौरभ को भी अपनी गलती रियलाइज हुई और उन्होंने मम्मी से माफी मांग ली। हॉलीवुड ने किया गीता का अपमान। हॉलीवुड के लिए इंडियंस का मजाक उड़ाना कोई नई बात नहीं है, पर क्या अब इन्होंने कर दी है हद पार? क्योंकि भागवत गीता, जो हिंदुओं के लिए जीवन का सार है, हॉलीवुड की नई फिल्म ने कर दिया है उसका अपमान। इससे ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम का दुरुपयोग हो नहीं सकता और ये एक तरीके से हमारी संस्कृति पे ही प्रहार। तो भाई लोग, 21 जुलाई 2023 को एक फिल्म रिलीज हुई, ओपेनहाइमर। इस फिल्म की कहानी जाने माने फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर पे थी, जिन्हें दुनिया फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जानती है, जिन्होंने पहले एटॉमिक ब्लास्ट के बाद अपने एक इंटरव्यू में भागवत गीता और भगवान विष्णु के बताए कुछ शब्द कहे थे। लेकिन जब ये फिल्म आई तो इसे देखने वाले हैरान रह गए, क्योंकि फिल्म शुरू होने के करीब 20 मिनट में एक सेक्स सीन दिखाया गया है, जहां ओपेनहाइमर के साथ मौजूद लड़की बेड से उठती है, बुक शेल्फ से भागवत गीता उठाती है, उसे पढ़ने के लिए कहती है और सेक्स सीन आगे कंटिन्यू हो जाता है। विदेश में ये मूवी आर रेटेड है, यानी छोटे बच्चों से लेकर टीनेजर्स इसे नहीं देख सकते। लेकिन रिलीज के काफी वक्त बाद ये फिल्म इंडिया में UA रेटेड, यानी 12 साल से ऊपर का कोई भी इसे देख सकता है। ऐसा कैसे? वेल इसलिए क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने खुद ही कुछ सीन्स को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए काट दिया था। हालांकि उन्होंने इस सेक्स सीन को हाथ भी नहीं लगाया।
इस प्यार को क्या नाम दूं? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, पर इनका प्यार बड़ा कंफ्यूजिंग है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हर तरफ बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा रेखा अपनी बेडरूम कंट्रोवर्सी के चलते छाई हुई है, जहां हर कोई उनकी 2016 में आई किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी का हवाला देकर ये कहते हुए नजर आ रहा है कि रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना का चक्कर चल रहा है। दोनों अभी से नहीं, पिछले कई दशकों से लिव इन रिलेशनशिप में है। ये बात भी सामने आ रही है कि रेखा के बेडरूम में फरजाना के अलावा उनके घर के नौकर चाकर तक को जाने की इजाजत नहीं है, और इस खबर को और ज्यादा हवा मिल रही है रेखा के ही एक इंटरव्यू क्लिप से। सोशल मीडिया पे वायरल इस इंटरव्यू क्लिप में जब सिमी ग्रेवाल ने रेखा से सवाल किया क्या वो दोबारा शादी करेंगी, इसके जवाब में रेखा ने पहले कहा आपका मतलब किसी आदमी से, और जब सिमी ने कहा वेल ऑब्वियस औरत से तो नहीं, रेखा ने इस पर बेबाक होकर जवाब दिया औरत से क्यों नहीं। आज यही दोनों चीजें उन पर बायसेक्सुअल होने का सवाल खड़ा कर रही है। धोनी की मूवी, धोनी के नाम इतने रिकॉर्ड्स हैं कि शायद ही कोई कप्तान उसे तोड़ पाएगा, और वैसे भी अब माही भाई मूवी में आकर ऑस्कर ले जाना चाहते हैं, और ये हाल ही में आए साक्षी धोनी के बयान से साफ हो गया है। He's not camera shy. He knows how to act. He's been acting in front of the camera since I think 2006. यानी 2006 से एड में एक्टिंग करते आ रहे धोनी अब आईपीएल को टाटा गुड बाय करके फिल्मों की दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं। वैसे भी क्रिकेट में रिटायरमेंट एज होती है मगर एक्टिंग में नहीं होती, लेकिन चाहे माही बड़े पर्दे पर थोड़ा देरी से आए मगर धोनी अथर्व द ओरिजिन कॉमिक्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो शायद अजय जडेजा और शिखर धवन के बाद मूवी में माही का नंबर हो सकता है। मगर भाई लोग, बात फिलहाल धोनी के मूवी डेब्यू की नहीं है, उनके प्रोडक्शन के डेब्यू की है। यानी अब धोनी एंटरटेनमेंट फाइनली अपना मूवी लॉन्च करने जा रहा है, जिस मूवी में तमिल इंडस्ट्री की फेवरेट योगी बाबू भी नजर आएंगे। पर क्या धोनी का भी इस मूवी में कोई कैमियो छुपा रहेगा? तमन्ना की तमन्ना, हीरा हो तो टेनिस बॉल जितना वरना ना हो। तमन्ना वाडिया की ये फोटो 2019 की है, जिसे उपासना कुरेडेला यानी रामचरण की वाइफ ने ट्विटर पे शेयर किया था। दरअसल उस दौरान साउथ इंडस्ट्री की मिल्क ब्यूटी ने मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म में एक जरूरी किरदार निभाया था, और उसी के लिए उपासना ने तमन्ना को ये रिंग देते हुए अपने पोस्ट में उन्हें ऑलरेडी मिस करने की बात कही थी। पर पिछले कुछ दिनों से तमन्ना की ये 3 साल से ज्यादा पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रेंड कर रही है, और लोगों की माने तो इस रिंग का डायमंड दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड है, और इसकी कीमत है पूरे 2 करोड़ रुपए। हालांकि ना इस डायमंड के फैक्ट्स असली है और ना ही खुद ये डायमंड। तमन्ना ने 2019 में उपासना के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कह दिया था कि ये डायमंड रिंग नहीं, एक बॉटल ओपनर है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हंसते इंडिया की खबरें। शहनाई से कुटाई तक, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है तब तक जब तक दुल्हन के खानदान को पता ना चले कि सेहरे में छुपे दूल्हे के लहराते बाल नकली है, क्योंकि नकली बाल का पता चलते ही दूल्हे का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। वीडियो में हाथ जोड़कर अपनी कुटाई से बचने की कोशिश करता ये शख्स गया बिहार के इकबालपुर से बजौरा अपनी शादी की शहनाई बजवाने गया था, पर शहनाई के सुर लगते उससे पहले दुल्हन के परिवार को दूल्हे के बालों में कुछ गड़बड़ लगी, और बस जैसे ही उन्होंने बाल खींचने शुरू किए नकली बाल बाहर आ गए। फिर होना क्या था, टूट गई इन भाई साहब की दूसरी शादी। और भले खुद बॉलीवुड ने गंजेपन पे बाला, उजड़ा चमन और गौन केस जैसी फिल्में देकर इंडिया की जनता को समझाने की कोशिश क्यों ना की हो कि स्ट्रेस, लाइफस्टाइल हैबिट्स और मेल पैटर्न बल्डनेस जैसे अलग अलग कारणों से मर्दों के बाल झड़ने कॉमन है, पर जब जनता समझे तब ना। ये थी आज की वो खबरें जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो अगर आपको फैक्ट बाई की डेली अपडेट्स और फैक्ट्स का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट बाई की ऐसी ताज़ा खबरें देखने के लिए आप अभी इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।